नमस्कार, स्वागत है आपका सुरेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार के बारे में। टास्क बार हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम एज पर होता है। इसका यूज़ होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी ऐप चल रहा है उसका आइकन हमें शो करना। मैं करके बता देता हूँ, जैसे आप विंडो बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नोटपैड की ऑप्शन सर्च करनी है। यहाँ पे लिखना है NOTE, नोटपैड लिखा, इस पर क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया है। वैसे ही हमारे पास इसका आइकन भी दिखने लग गया है यहाँ पे टास्क बार पर। अभी मैं इसको नोटपैड को जैसे ही क्लोज करूँगा तो टास्क बार से नोटपैड की ऑप्शन का जो आइकन है वो भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसके जो भी हमारे पास उसके आइकन्स दिख रहे हैं। सबसे पहला आइकन स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिस्ट दिख रही है, आप इस लिस्ट में से किसी भी ऐप को क्लिक करने पर खोल सकते हैं। जैसे भी आप क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास जो आइकन है वो खुल जाएगा, उस ऐप को खोल दिया जाएगा। सेकेंड नंबर पे होता है सर्च ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी ऐप का, जिस भी फोल्डर का, जिस भी सेटिंग का नाम लिखेंगे वो वाला ऐप जो है वो सेटिंग, वो फोल्डर हमारे पास खुल जाएगा। जैसे मैं नोटपैड लिखूं NOTE, तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दीजिए तो नोटपैड हमारे पास ओपन हो जाएगा, उसका आइकन भी हमें यहाँ पे दिखने लग जाएगा। यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए तो नोटपैड का आइकन भी क्लोज़ हो जाएगा और उसका ऑप्शंस भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास जैसे कुछ आइकन दिख रहे हैं, इनको मैंने ओपन नहीं किया हुआ, मैंने ना ही गूगल क्रोम को ओपन किया ना ही मैंने दिस पीसी को ओपन किया, फिर भी इसके आइकन्स जो हैं हमारे पास शो कर रहे हैं। वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनको मैंने पिन टू टास्क बार की ऑप्शन से लगा दिया है यहाँ पे। तो इसका यूज़ क्या होता है कि अगर आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करके खोलना, डबल क्लिक करके नहीं खोलना चाहते, आप सिंगल क्लिक से ही इसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे दिस पीसी लिखा है इस पर आपको इसको खोलना है तो डबल क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिंगल क्लिक में खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक से एकदम से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो गूगल क्रोम है, मुझे ये खोलना है तो हर बार मुझे यहाँ पे क्लिक करके गूगल क्रोम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भी टास्क बार पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में उस ऐप को सर्च करना है। जैसे मैं नोटपैड को लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे NOTE नोट लिखा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पिन टू टास्क बार की ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके साथ ही हमारा जो नोटपैड का आइकन है यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसको हटाना है तो राइट क्लिक कीजिए इस पे और यहाँ पे अनपिन फ्रॉम टास्क बार की ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये वाला आइकन जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी हम थोड़ी सी सेटिंग समझ लेते हैं इसकी। सेटिंग्स करने के लिए टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे टास्क बार सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगी। सबसे पहली ऑप्शन है लॉक द टास्क बार, कि टास्क बार को लॉक कर दिया जाए, तो इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ यहाँ पे ऑफ करके। यहाँ पे मैंने ऑफ किया, अब क्या होगा कि अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको किसी साइड लेके जाऊँ, जैसे मैंने क्लिक करके इसे टॉप में लेके गया तो ये टॉप में लग जाएगा टास्क बार, अगर मैंने क्लिक करके इसे राइट साइड किया तो राइट साइड में टास्क बार लग जाएगा, अगर मैंने क्लिक करके यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लिया तो यहाँ पे ये बॉटम में लग जाएगा टास्क बार, अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूँ फिर से ऑन कर दिया तो अभी मैं किसी साइड भी क्लिक करके ड्रैग करने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो आइकन जो हमारे पास से वर्किंग नहीं करेंगे, किसी ऑप्शन को नहीं यूज़ होगा ये। जैसे मैं क्लिक करके ऊपर लेके गया, अभी ड्रैग किया लेकिन जो हमारा टास्क बार है ये ऊपर वाली साइड नहीं गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इसको ऑन कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टास्क बार को हाइड कर देगा। तो दोबारा से इस टास्क बार को देखने के लिए आपको इस पर क्लिक लेके जाना पड़ेगा। क्लिक जैसे ही लेके जाएंगे आप, कर्सर लेके जाएंगे टास्क बार पर, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो टास्क बार है वो शो कर जाएगा। जैसे मैं साइड पे लेके गया तो हाइड हो गया, दोबारा से कर्सर ऊपर लेके गया तो टास्क बार दोबारा से शो करने लग गया। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ सो डैट ये परमानेंटली टास्क बार यहीं पर मुझे शो होता रहे। नेक्स्ट का ऑप्शन है अगर टैबलेट मोड इसका ऑन कर रखा है तब हाइड करना है, तो यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, जब टैबलेट मोड में होगा जी तो ये ऑप्शन वर्क करेगी,
ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन, अगर इसको ऑन कर दिया तो हमारे टास्क बार पे जो आइकन्स हैं, जो बटन्स हैं, वो हमारे छोटे हो जाएंगे। अगर पहले जैसे चाहिए तो यहाँ पे दोबारा से इसे ऑफ कर देते हैं तो टास्क बार के बटन जो हैं दोबारा से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं और भी यहाँ पे, तो उनको भी आपको धीरे धीरे समझना होगा, तो उसके लिए भी अलग से वीडियोस जरूर दी जाएंगी। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे समझते हैं कि इसके टाइम इंडिकेटर ये होता है, या हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड में हमारे पास जो होता है यहाँ पे टाइम इंडिकेटर, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर होता है, ये वाले भी नोटिफिकेशन सेंटर का ही हिस्सा हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया या कुछ और क्वेरीज हैं आपकी, तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो के नीचे, सो डैट हम उन गलतियों को सुधार सकें, या फिर आपको जो भी टॉपिक अच्छा और चाहिए तो आप हमें उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक को आगे अगली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करेंगे। धन्यवाद।